देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। जलवायु परिवर्तन पर दुनिया भर में चिंता की लहर है। धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं बेमौसम बर्फबारी हो रही है तो कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है। हालात इतने खराब है कि प्रदूषण जानलेवा होता जा रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों में सहमति नहीं बन पा रही है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन भी प्रदूषण फैलाने वाले बड़े देशों को छोटे राष्ट्रों के दबाव का सामना करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि इस बैठक में किसी भी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस सम्मेलन को कुछ घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। विनाशकारी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक एक्शन प्लान की रूपरेखा तैयार करने के लिए COP25 नामक यह शिखर सम्मेलन 2 दिसंबर को शुरू हुआ था, लेकिन करीब 2 हफ्ते के विचार विमर्श के बाद भी 2015 के पेरिस समझौते को कैसे लागू किया जाए इस पर सभी देश एकमत नहीं हो सके हैं, यानी वैश्विक एक्शन प्लान को लेकर बात नहीं बनी है। दरअसल इस सम्मेलन में यूरोपीय संघ और जलवायु परिवर्तन के चपेट में आने वाले कई छोटे देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए अधिक जोर दे रहे हैं, जबकि अमेरिका, चीन, ब्राजील और भारत सहित दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों का कहना है कि उन्हें अभी अपनी वर्तमान योजनाओं को बदलने की जरूरत नजर नहीं आ रही है। वह इस खींचतान पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने निराशा जताई है। शिखर सम्मेलन स्थल के बाहर दुनिया भर से जुटे पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए गले में फांसी डाले नजर आए। मैड्रिड में पिछले 2 हफ्ते से चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्देश्य 2015 में किए गए पेरिस समझौते को दुनिया भर के देशों में लागू करवाना है। 'Cause the people got the power.